बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है सैयद अब्दुल मोमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गाइस ये देखें, ये प्लास्टिक का फ्रेम है। इस प्लास्टिक फ्रेम में ये देखें, ये मजबूत फ्रेम है। इसमें हम -4 के साथ -1.5 सिलेंडर और दूसरा शीशा वो भी -4 के साथ 0.5 सिलेंडर। ये ग्रीन मल्टी CR, ये प्लास्टिक में एंगल वाले शीशे हैं। ये देखें, ये वाइट CR नहीं, ग्रीन मल्टी CR। हम इस प्लास्टिक फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे। मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। खैर ये देखें, ये प्लास्टिक में चीज़ है और ये प्लास्टिक फ्रेम में हम फिट करेंगे। ये देखें, ये लेफ्ट वाला हम शीशा काटेंगे। ये इसका एंगल है, इसको हमने किस तरीके से काटना है, ये इसका ये तरीका है। एंगल हमने बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखें, ये कलम चलाने का तरीका है। इस तरीके से हमने ये कलम को हमने धीरे हाथ से चलाना। ये देखिए, ये लेफ्ट वाला हम शीशा काट लिया। अब हम राइट वाला पार्ट निकाल के, अब राइट वाला शीशा इसको भी हमने एंगल बिल्कुल सीधा रख के, ये ब्लैक कलर का जो निशान लगेगा ये इसका एंगल लगा हुआ। इसका एंगल है तकरीबन 180 का इसका एंगल है। और ये राइट शीशा हम काट रहे हैं, दोनों काट लिए हैं। और इस प्लास्टिक फ्रेम में हमने फिट करने का तरीका बताएंगे, हमने किस तरीके से ये बारीक से फ्रेम में हमने इतना मोटा शीशा हमने फिट करना है, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। कटिंग करेंगे और शीशा फिट करने का तरीका बताऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गाइस, ये देखिए, अब हम ये ब्लेड के साथ ये प्लास्टिक का शीशा काटेंगे। ये देखें गाइस, ये इस तरीके से जो हमने यहाँ शीशा काटना है, ये देखें ये शीशा कट गया यहाँ से। और अब हम इस जगह से काटेंगे। ये इस तरीके से जो हमने ब्लेड से हमने शीशा काटना है। ये देखिए गाइस, ये शीशा हमारा कट गया है। अब हम रगड़ाई करेंगे, रगड़ाई करके फिट करेंगे शीशे को, हमने किस तरीके से प्लास्टिक फ्रेम में शीशा फिट करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गाइस, सलाम अलैकुम गाइस। ये देखिए, अब हम ये शीशा इस फ्रेम में फिट करेंगे और किस तरीके से करेंगे आपको मैं तरीका बताऊँगा। अभी रगड़ाई करेंगे मशीन पर। ये देखिए, इसका रगड़ाई करने का तरीका हमें किस तरीके से जो शीशा रगड़ना है कान पे। ये देखें, हमने फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने फ्रेम के हिसाब से लगाना है। स्पीड में एनएच बनाने का तरीका हमने इस तरीके से स्पीड में जो एनएच करनी है। गाइस बीबी शीशा थोड़ी बना हमारा थोड़ा सा बड़ा है, हमने बिल्कुल जो फ्रेम की शेप है उसके शेप के हिसाब से हमने शीशे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बराबर करके फिर हमने जो है फ्रेम के शीशे को फिट करना है। ये देखिए, अभी भी शीशा बड़ा है हमारा। गाइस ये देखिए, अब हमारा शीशा इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। नहीं, अभी भी बड़ा है गाइस। ये अगर हम टाइट फिटिंग करेंगे तो फ्रेम जो है मतलब पड़क करके टूट जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम शीशे को नॉर्मल तरीके से फिट करेंगे फ्रेम में।
ये देखिए अब इंशाल्लाह जो है हमारा शीशा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये फिट हो गया और कहीं से भी खला नहीं है। ये फिटिंग करने का तरीका है और ये राइट वाला शीशा भी हम इसी तरीके से रगड़ेंगे। पानी जो हमने तेज चलाना है इससे जो जल्दी खाली होगी वो हमारी ख़राब नहीं होगी। देखें गाइस इसको भी हमने ऐसे ही रगड़ना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हमने इसको शेप बनानी है, शेप बना कर फिर हमने फ्रेम में शीशे को फिट करना है और कोशिश करनी है दोनों शेप पे हमने एक तरह की बनानी है। कुछ लोग होते हैं ये शेप छोटी कर देते हैं, ये शेप बड़ी कर देते हैं, हमने वो तरीका नहीं करना। हमने बराबर दोनों शेप पे जो है फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल बराबर रखने में देखें गाइस ये शीशा हमारा तकरीबन बड़ा है। अभी भी थोड़ी सी रगड़ाई हम और कर लें। अब जो है इंशाल्लाह हमारा शीशा भी बड़ा है गाइस, अभी भी शीशा हमारा बड़ा है बस। अब जो है इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शीशा फिट हो जाएगा। ये देखिए गाइस ये हो गया फिट, ये दोनों बिल्कुल कहीं से बखला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है। ये देखिए आपके सामने कैमरे में देख सकते हैं आप। और गाइस सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो हमारी। ये अनिल मारी तैयार है और अगली वीडियो तक के लिए ये इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।